हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम होंगे, उन सभी में आपको हेल्प मिल सकती है। शुरू करते हैं दोस्त, तो आज का जो हमारे बाकी रह गए थे, जो खारी नदी का, कोठारी नदी के जो प्रवाह क्षेत्र हैं, खारी नदी, कोठारी और मैनाल नदी, इनके जो प्रवाह क्षेत्र हैं, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो उनके प्रवाह क्षेत्र को याद करने की ट्रिक दोस्तों देखिए। खारी नदी का प्रवाह क्षेत्र, यानी खारी नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, उसके प्रवाह क्षेत्र को याद करने की ट्रिक है। खारी बीजराज भील को आटो देवे, खारी बीजराज भील को आटो देवे या देव, तो खारी से हो जाएगा दोस्तों खारी नदी, बीज से हो जाएगा दोस्तों बिजराल की पहाड़ियाँ जो राजसमंद में पड़ती हैं, हो गई। भील से हो जाएगी दोस्तों, भील से हो जाएगा भीलवाड़ा, को छोड़ देना। आज से हो जाएगा अजमेर, अजमेर निकलती है भीलवाड़ा के बाद। फिर टों से हो जाएगा दोस्तों टोंक, और फिर देव से हो जाएगा देवली तहसील, जो बिसलपुर तहसील में जाकर गिरती है। तो ये हो जाएगी खारी नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, उसकी जो प्रवाह क्षेत्र है उसकी ट्रिक। कोठारी नदी की है दोस्तों, कोठारी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसकी ट्रिक हो जाएगी, कोटा दी मेज भी बनास में बनती है या कोटा दी मेज भी बनास में बहती है, दोनों में से कोई भी जो आपको बेस्ट लगे। कोटा दी मेज भी बनास में बहती है या कोटा दी मेज भी बनास में बनती है, तो दोस्तों इसको 10 से 12 बार पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगी, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, किस कौन कौन से ज़िले में बहती है, कई बार पूछ लेते हैं इसलिए। तो दोस्तों कोठारी, कोटा से हो जाएगी दोस्तों कोठारी नदी, दी से हो जाएगी दोस्तों दिवेर की पहाड़ियाँ, मेज से हो जाएगी दोस्तों जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर ही बना हुआ है, तो कोठारी नदी पर कौन सा है, मेजा बांध भी कोठारी नदी पर है। भी से हो जाएगा दोस्तों भीलवाड़ा, में निकलती है, फिर बनास में जाके बनास नदी में, ये बनास नदी में गिर जाती है, ये बनास नदी की सहायक नदी भी है। इसी प्रकार दोस्तों हम मैनाल नदी का प्रवाह क्षेत्र देखते हैं, मैनाल नदी की भी है कि बेगुमेन माँ भी भीग गई, या भीग गई, तो इसको भी 10 से 12 बार पढ़ लेना, जिससे दोस्तों आपको याद हो जाएगी कि बेगुमेन माँ भी भीग गई, तो बेगू से हो जाएगा दोस्तों बेगू चित्तौड़गढ़ में है, तो बेगू चित्तौड़गढ़ हो गया। मेन से हो गया मेन, मैनाल जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, तो मैनाल जलप्रपात भी इसी नदी पर, मैनाल नदी पर स्थित है। माँ से हो जाएगा दोस्तों मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ, जहाँ से निकलती है, भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ से होकर निकलती है मांडलगढ़ की पहाड़ी, और फिर भी से हो जाएगा दोस्तों भीलवाड़ा, और बीग से हो जाएगा दोस्तों बिगोद नामक स्थान पर, बनास में ये मिल जाती है, मिल जाती है। तो दोस्तों ये तीनों हो गई ट्रिकें दोस्तों। अब जितनी भी नदियाँ हैं जिनकी सहायक नदियाँ इम्पोर्टेंट थी, उनके बारे में जिनकी सब पढ़ चुके हैं, बनास की हो गई है, लूणी की हो गई है, जितनी भी है बाणगंगा की हो गई है, इन सभी की हमने पहले वाले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप देख लीजिए दोस्तों। अब हम झीलों की, जो खारे पानी की झीलें हैं उसकी अलग ट्रिक बनाएंगे, अजमेर की जो झीलें, अजमेर और उदयपुर में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी भी हम ट्रिक बनाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं उन सभी की हम ट्रिक अगले आने वाले वीडियो में बना देंगे दोस्तों। तो तब तक आप हमारे पूरे वीडियो देखिए दोस्तों, ये आपके हर एग्ज़ाम में काम में आएंगे जो भी राजस्थान में लगेंगे, तो पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहे, बढ़ते रहे दोस्तों। सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद दोस्तों।